इधर उधर कोई दिख नहीं रहा। बंगाल में ममता कर्फ्यू लगा दिए का? अरे यहाँ पे एक शख्स मिले हैं, चलिए इससे कुछ दोस्त सवाल पूछा जाए। क्या हाल है लोंडे आपके, बताइए जाए। बंगाल के शख्स कुछ दो बार ममता के बारे में बताइए। ममता के सुनते हैं वो अपना टांग बिछका के सोते हुए हॉस्पिटल में, ये कैसे हुआ? यहाँ पे आए दिन फाइट चलते रहता है, बताइए जरा क्या हुआ है यहाँ पे? आप लोग को पता ही है दीदी, अभी बौखला गई है, अपना कहाँ कहाँ घूमते है, गोड़ हाथ तोड़वा लेती है अपना, और हॉस्पिटल में जाके सो जाती है। और क्या मोदी जी को फंसा दी है क्या? बोले गोड़ हाथ भी तोड़वाएगा सब मोदी को फंसा दिया है, गजब इंसान है। के बारे में क्या क्या बोलते हैं, हंसी लगाते हैं। सुनिए दीदी को तो हमको लगता है कॉमेडियन होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा कॉमेडी कर लेती है। नहीं तो डांस भी अच्छा कर लेती है, स्टेज में देखते हैं दौड़ती रहती है इधर से उधर, माइकल जैक्सन का लगता है बापे बन जाएगी एकदम, गोड़ हाथ तोड़वा के ही बैठी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा होली आ रही है, होली में बोलता कि एक साथ 10 या 15 लोग नहीं खेल सकते होली, 3-4 लोग, तो वही बंगाल में इलेक्शन का टाइम है तो देखिए कितना भीड़ लगता है। क्या बोले, यहाँ पर देखिए हर चुनाव होता है, रैली होती है, लगभग लाखों करोड़ों संख्या में लोग का भीड़ लगता है। वहाँ कोरोना नहीं होगा, 4 गो आदमी होली खेलेगा वहीं कोरोना घुसेगा। क्या कौन समझाएगा ये सबको, नेता सबको, कि खुद ही कोरोना फैला रहा है और दूसरे को ज्ञान दे रहा है। साला फोन करो तो बोलता है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। क्या बोले, मन तो करता है गोली मारते। बताइए कुछ क्या सेवा कर सकते हैं आप? मुंह में घुसा तो माइक, साले सस्ता रिपोर्टर सब कहाँ से उठ के आता है।